प्रदेश निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 9 दिसंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में शिमला जिला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला से जागरूकता वैन को रवाना किया, जो गांव गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेगी। उपायुक्त ने बताया कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक होगी, उनको मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान वोटर मतदाता सूची में अपना पता बदलने और फोटो पहचान पत्र में त्रुटि को भी ठीक कर सकता है। स्पेशल समरी रिवीजन 2021 जो है 21-22 जो है चला हुआ है, तो स्पेशल समरी रिवीजन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है हम लोग नए से नए और जो नए मतदाता है उनको एनरोल करें। कोई ऐसे लोग जो छूट गए हैं उनका एनरोलमेंट कराना जो है वो हमारा उद्देश्य है। तो इसमें जो है काफ़ी समय से हमारे जो BLOs वगैरह हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों के बीच में अवेयरनेस कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और विभिन्न स्थानों पर जो है टीम्स जा रही हैं। तो इसमें हमें महसूस हुआ कि थोड़ा सा हमें अभियान को और जो है तेज़ करना चाहिए, तो उसी कड़ी में जो है ये एक जो है ये आपका जागरूकता वैन को जो है आज हमने फ्लैग ऑफ किया। इसका उद्देश्य ये है कि वो जो हमारा पूरा एरिया है उसमें वो वैन जाएगी और लोगों को जो है डोर टू डोर जो है संदेश देगी कि वो लोग अपना नाम जो है मतदाता जो सूची है उसमें दर्ज करवाएँ।